मेरा एक कंफ्यूजन है गुरुजी कि मैंने विपश्यना मेडिटेशन करी और उसके बाद ही जब मैं कॉरपोरेट में काम करता था, आई हैव डन एमबीए इन एचआर, 10 इयर्स आई वर्क्ड एज एन एचआर पर्सन। सो उसमें सुबह मॉर्निंग में जल्दी निकलता था, रात को फिर लेट आता था दिल्ली गुड़गांव से ऑफिस घर पे। सो आई एम लिविंग इन द होम टाउन इन द फरीदाबाद। तो उस पर्टिकुलरली 1-1 घंटे का टाइमिंग नहीं निकल पाता था मेडिटेशन विपश्यना के लिए। रात को 9-10 बजे आया, बहुत थोड़ा था फ्रस्ट, मतलब हार गया, थक गया। देन देयर इज नो कैपेबिलिटी कि 2-1 घंटे के लिए बैठ जाए, तो उसको मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया। Let me answer this. पहले इतना बताते हैं कि देखिए, अगर आप 1 घंटा नहीं कर पा रहे हैं, विपश्यना आप कहते हैं सुबह 1 घंटा करिए, शाम को 1 घंटा करिए, तो ये नहीं जी कि अगर 1 घंटा नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ भी नहीं करेंगे. तो चलिए आधा घंटा करिए, 20 मिनट करिए, 10 मिनट करिए, 5 मिनट करिए, 2 मिनट करिए, कुछ तो करिए. तो ये जरूरी नहीं है, इट्स नॉट जस्ट द अमाउंट ऑफ टाइम, इट्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ द टाइम. तो मैंने ओके देखा है कि अगर आप 15 मिनट भी अगर आप सचमुच पूरा मन लगा के बोलेंगे चलो मेरे पास 1 घंटा तो नहीं है, मुझे काफी ट्रैवल करना पड़ता है, मेरे पास इतना समय नहीं है, पर जी 15 मिनट में बिल्कुल, मतलब उसमें मैं कहीं मेरा मन भागने नहीं दूंगा, 15 मिनट पूरा अपने दिल से करूंगा साधना, तो आपको 15 मिनट में लाभ मिलेगा जो किसी और को 1 घंटे में मिलता है.